हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी। वेलकम टू अन अकेडमी। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, और ये है एग्रीकल्चर रैंकिंग स्टेट वाइज। भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें तमाम जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उन प्रोडक्ट्स की स्टेट वाइज रैंकिंग आपको क्या है। और ये रैंकिंग मैंने ली है हमारे इकोनॉमिक सर्वे या आर्थिक सर्वेक्षण जो भारत सरकार का है उसके माध्यम से, और जो भी डेटा है उसी को बिलोंग करता है। सबसे पहले बात करते हैं राइस की। हम तीन तीन स्टेट्स की बात करेंगे, तीन तीन राज्यों की बात करेंगे। सबसे पहले राइस के अंदर नंबर वन पे जो राज्य है वो राज्य है वेस्ट बंगाल, नंबर टू पे है उत्तर प्रदेश, और नंबर थ्री पे है आपको पंजाब। तो राइज में वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब, तीन रैंकिंग है। एमपी के रैंकिंग जानना हो तो उसके लिए एक अलग से वीडियो में एमपी के रैंकिंग के ऊपर आपको ऑलरेडी बनाया है, और एक वीडियो और भी मैं आपको एमपी के रैंकिंग के ऊपर बनाने वाला हूं। तो वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब राइज के अंदर आपको शुरुआत में तीन नंबर पे है। अगला जो इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट है वो है व्हीट, गेहूं। तो गेहूं के अंदर हम लोग टॉप थ्री अगर रैंकिंग आपको देखें तो सबसे ऊपर है उत्तर प्रदेश, सेकंड नंबर पे हमारा मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पे है पंजाब। तो यूपी, मध्य प्रदेश और पंजाब तीन स्टेट है इनका रैंकिंग है। मेज या मक्का के अंदर हम लोग अगर आप देखेंगे तो मक्का के अंदर जो तीन इंपॉर्टेंट आपको रैंकिंग है वो है कर्नाटका, मध्य प्रदेश और आपका महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश जो है वो मेज या मक्का के अंदर देश में दूसरे नंबर पे है। उसके अलावा अगला जो इम्पोर्टेंट स्टेट है वो है, अगला इम्पोर्टेंट जो प्रोडक्ट है वो है टोटल न्यूट्रिशन या टोटल जो कोर सेरल आपके होते हैं, मोटे अनाज जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये मोटे अनाज या टोटल न्यूट्रिशन या कोर सेरल उनको बोला जाता है, इनकी रैंकिंग की बात करें तो कर्नाटका इज नंबर वन, उसके बाद राजस्थान नंबर टू, और महाराष्ट्र जो है वो नंबर तीन पे आपको है। अगली रैंकिंग की बात करें तो तूर या तुअर या अरहर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो अरहर की रैंकिंग के अंदर आप देखेंगे अरहर की रैंकिंग में महाराष्ट्र इज नंबर वन, फिर कर्नाटका नंबर टू, और उत्तर प्रदेश तूर के अंदर आपको नंबर तीन पर आपको लोकेटेड है। उसके बाद ग्राम की बात करें या चने की बात करें तो चने के उत्पादन में आप देखोगे तो चने के उत्पादन में महाराष्ट्र इज नंबर वन, देन मध्य प्रदेश नंबर टू, साथ में राजस्थान जो है चने के उत्पादन में तीसरे नंबर पर आपको है। ठीक है, अगली रैंकिंग की हम लोग बात करें तो टोटल पल्सेस या कुल जो दलहन होती है, दलहन मतलब जो फसलें होती है, तो उन कुल दलहन में आप देखोगे, दलहन मतलब जो तूर दाल वगैरह वगैरह जितनी भी ऐसी दालें होगी जिनसे तेल नहीं निकलता है तो वो उनको दलहन बोला जाता है। तो पल्सेस के अंदर मध्य प्रदेश नंबर वन, महाराष्ट्र नंबर टू और राजस्थान नंबर तीन, इसके अंदर तूर, मूंग वगैरह तमाम तरह की जो दलहन दालें हैं वो सबका ओवरऑल यहाँ पर आपको है। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है टोटल फूड ग्रेन, कुल खाद्यान्न उत्पादन। तो कुल खाद्यान्न उत्पादन में आप देखेंगे तो कुल खाद्यान्न उत्पादन में मध्य प्रदेश का जो रैंक है वो नंबर सेकंड है, पहले नंबर पे है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पे आता है आपका पंजाब। तो तीन स्टेट जो है ये टोटल फूड ग्रेन या खाद्यान्न उत्पादन में है। उसके अलावा आप ग्राउंड नट या फिर हम अगर आपके मूंगफली की बात करें तो मूंगफली के उत्पादन में सबसे पहला जो स्थान है वो पहला स्थान है गुजरात का, दूसरा स्थान है राजस्थान का, और तीसरा स्थान है तमिलनाडु का। तो गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु। अगला जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट वो है रैपसीड एंड मस्टर्ड, जिसको हम लोग राई और सरसों के नाम से आपको जानते हैं। तो राई और सरसों का जो उत्पादन है इसके उत्पादन में राजस्थान नंबर वन पे है, मध्य प्रदेश नंबर टू पे है, और हरियाणा जो है वो नंबर थ्री पे। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा तीन स्टेट हैं इधर रैपसीड एंड मस्टर्ड में। सोयाबीन के उत्पादन की बात करें तो सोयाबीन के उत्पादन में आपका जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र नंबर वन आ चुका है पिछले एक साल से, साथ ही सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे है राजस्थान। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीन स्टेट हैं सोयाबीन के उत्पादन के ऊपर। अगला जो प्रोडक्ट है वो है सनफ्लावर या सूरजमुखी जिसको हम लोग आपको बोलते हैं। सूरजमुखी के उत्पादन में अगर आप लोग देखेंगे तो सूरजमुखी के उत्पादन में कर्नाटका नंबर वन है, तेलंगाना नंबर टू है, और उड़ीसा इसके ऊपर आपको नंबर तीन के ऊपर यहाँ पर आपको है। ठीक है, अगले प्रोडक्ट की बात करें तो टोटल ऑयल सीड या कुल तिलहन जो है, तुल तिलहन की बात करें, तिलहन के अंदर राई, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब ऑयल सीड के अंदर या आपके तिलहन के अंदर आपको आते हैं। तो तिलहन के उत्पादन में राजस्थान इज ऑन नंबर वन, मध्य प्रदेश नंबर टू, और गुजरात आपका नंबर थ्री यहाँ पर आपको है। तो वन, टू और थ्री तीन रैंकिंग आपको याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद शुगर केन या गन्ने के उत्पादन की बात करें
तो गन्ने के उत्पादन में जो रैंकिंग आपकी है, तो गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर वन, महाराष्ट्र नंबर टू और कर्नाटका नंबर थ्री। तो यूपी, महाराष्ट्र और आपका कर्नाटका, तीन स्टेट जो है शुगर केन या गन्ना उत्पादन में शुरुआत की तीन रैंकिंग पे है। अगला जो प्रोडक्ट है वो है कॉटन, और कॉटन के उत्पादन में हम लोग देखेंगे तो कॉटन के अंदर गुजरात नंबर वन है, महाराष्ट्र नंबर टू और तेलंगाना जो है वो नंबर थ्री पे। तो गुजरात, महाराष्ट्र और आपका तेलंगाना, तीन प्रोडक्ट हैं, तीन स्टेट जो है वो कॉटन पे है। जूट और मेस्टा की बात करें, जूट या जिसके बैग्स वगैरह आपको बनाए जाते हैं, तो जूट के उत्पादन में वेस्ट बंगाल इज ऑन द नंबर वन, देन असम इज द नंबर टू और उसके बाद बिहार जो है, बिहार आपको नंबर तीन पर आपको मिलेगा। तो वेस्ट बंगाल, असम और बिहार, ये तमाम स्टेट्स हुए जिनमें अलग अलग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की हमने यहाँ पर आपको बात की। ठीक है, उसी के साथ में अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए यू कैन यूज माई कोड पवन लाइव, और पवन लाइव कोड का यूज करके अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन आप परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ में अनअकैडमी का MPTET का एक नया कोर्स है, वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर तमाम अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं TET वर्ग एक के, वो तमाम सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाने वाले हैं। साथ में विजय पत्कर के सीरीज, उसके बाद जीत की रणनीति सीरीज, ऐसी कई सारी सीरीज आपको आ गई हैं, और इन सीरीज के माध्यम से आप अपना प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करके प्रीलिम्स, मेंस और व्यापम के तमाम एग्जाम्स हैं, इन एग्जाम्स की शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हैं। यूज कोड पवन लाइव। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।